मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूंगी जी। मैं तो एक ही चीज़ कहूंगी कि मेरी शुरुआत हुई थी सपोजिटली इडियट बॉक्स से। मैंने 1989 में एक फिल्म की थी डैडी, और उस ज़माने में सब लोग ने कहा भट्ट साहब को कि क्यों आप छोटे पर्दे पर अपनी डॉटर को लॉन्च कर रहे हैं। अब आज वो छोटा पर्दा बहुत ही बड़ा हो गया है। तो आई थिंक दैट आई एम वेरी ग्लैड दैट व्हाट वी बिगैन मेनी मेनी ईयर्स अगो, इनफैक्ट जी के साथ हमारा एक पास है फिर तेरी कहानी याद है, एक फिल्म बनाई थी हमने। आई एम वेरी ग्लैड कि कैबरे ने एक पैंडोराज बॉक्स खोल दिया है। वी अप द गेम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं इस प्लेटफॉर्म को छोटा नहीं मानती हूँ, मैं बहुत ही बड़ा मानती हूँ, क्योंकि लोग इसे अपने टर्म्स पे, अपने बलबूते पे, अपने टाइम पे कंज्यूम कर पाएंगे। Z5 ने हमें एक बहुत ही कमाल का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक डिग्निटी के साथ में हमारी फिल्म को रिलीज़ करके एक इवेंट बना दिया है। एंड आई थिंक दैट फॉर दैट आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। एंड आई थिंक कि श्री और मैं कुछ और प्लान कर रहे हैं जो अभी इस वक्त टॉप सीक्रेट है, बट दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी। एंड आई वुड से टू Z5 के हैप्पी बर्थडे, और मैं विश करूँगी उनको ऑडेसिटी ऑडेसिटी एंड मोर ऑडेसिटी। मैं सेम आई थिंक शी कवर्ड इट ऑल, इतना बोलूंगा कि बहुत अच्छा लगा वो भी Z5 ऑब्वियसली आई वाज ऑलवेज ऑन। जो आपका डेब्यू फिल्म है आपने कैबरे, इट्स डेब्यू मूवी आल्सो, तो और छोटे पर्दे की बात, क्रिकेट तो वैसे भी छोटे पर्दे में आता था, बट Z5 ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो आई एम यू नो ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टू हर, सो थैंक्स फॉर शोइंग द एक्टिंग साइड ऑफ माइंड एंड Z5 टेकिंग इट अप। आई थिंक थैंक यू वेरी मच एंड आई विश देम All the very best to keep going, and I'm sure आगे भी बहुत कुछ होने बहुत कुछ करेंगे। So I look forward to year 2 celebration, and we will have even more numbers and even more eyeballs, and like I said, audacity is the key word. Audacity is the key word. Thank you. हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था मुझे किसी ने पहले पूछा था, as you know कि मैं हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ celebrate कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है आप फ्रिवलिसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। आई एम अ भट्ट एट हार्ट, आई हैव गॉट महेश भट्ट ब्लड फ्लोइंग थ्रू माय वेन्स, एंड बोथ ऑफ अस डू नॉट शाय अवे फ्रॉम ट्रूथ। अनकंफर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछें, मैं दिल से बोलूँगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि व्हेन लाइव्स आर एट स्टेक एंड वी टॉकिंग अबाउट आवर जवान्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, यू गॉट टू थिंक, you have to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. Thank you. Anything on Z? Ji, main basically binge watch hi karti hu. I binge on life. Why not on entertainment? I'm a binger. Jo mujhe acha lagta hai, main use, that's why I'm a very addictive personality. So I'm a life binger. Absolutely. So why not an entertainment binger? So I think that this platform is right up my street in more ways than one. The favorite show is Cabaret. Please keep watching. Cabaret only on Z5. Watch it now. Okay, Saqib is a good friend, so Rangbaz too. Yeah, you can watch it. ओके, बहुत ही अच्छा था, पटना गए थे और दीपक को मिलने गए थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, और अच्छा लगता है, भगवान कृपा है कि यू नो पीपल हैव स्टार्टेड टू नो द रियल मी आफ्टर बिग बॉस, तो अगेन ऑन अ टीवी छोटा पर्दा, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग नाउ, और पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि व्हाट रियल सिचुएशन इज, तो या आई एम थैंकफुल दैट आई वाज इनवाइटेड टू पटना एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। She's very unless until I know about it, as Pooja Di says, I follow her. So once I get to know about it, I will make it come along. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.